ट्रंप 100 लोगों को मार देगा तो उसका हिसाब यहाँ पे नहीं होने वाला है। हिसाब वही बोल रहा हूँ, प्रकृति का अधूरी है हिसाब उसका। सुनिए, वेदों में भी है, कुरान में भी है, तौरात में, इंजील में, सब में नहीं है ये। लोगों ने मेन ईश्वर का मैसेज बदल दिया, मगर जो मेन था कोर वो भी थोड़ा बहुत अभी कहीं ना कहीं है। अरे वेद क्या आसमान से आए हैं? वेद आसमान से आए हैं भाई। हर दुनिया के हर कोने कोने के लोगों ने अपने हिसाब से प्रकृति के इस नियम का कोई फायदा ना उठाए, प्रकृति के इस नियम के ऐसे कोई नुकसान ना हो आम जन को, इसलिए धर्म और समाज आया है। आप समझ लीजिए बात को, वरना आज भी पावरफुल लोगों की दुनिया है। तार्किक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, अच्छा एक बार मैं बता रही, मैं इस बात को मानती हूँ, अगर किसी ने, ट्रंप ने या हिटलर ने, किसी ने पूरा पूरा जिनोसाइड कर दिया, पूरी पूरी मखलूक को तबाह कर दिया, उसका कोई हिसाब नहीं होने वाला। वो पावरफुल थे, प्रकृति ने उनको खुद सपोर्ट किया है। प्रकृति ने गरीबों को मारने में सपोर्ट किया है, ये प्रकृति को किया है, बिल्कुल किया है। इसलिए क्या है, मैं क्या कह रही हूँ, प्रकृति पावरफुल का सपोर्ट करती है। पावरफुल कौन था? हिटलर का। बिल्कुल किया है, बिल्कुल। देगुना किसके क्या तो, भाई दिमाग जब सबको एक बराबर दिया है, क्यों नहीं दिमाग यूज किया? क्यों तुम बेचारे बने? एक बार बताओ, एक कानून बना है, प्रकृति ऐसा कर सकती है, जो इतनी होशियार है, जो एक छोटे बच्चे को भी अपने अंडे में से कैसे निकलना बता देती है। सरफराज भाई, खारे कुरान को पढ़े हो, बाकी कुछ नहीं पढ़े हो? पढ़ो, पढ़ाऊ? अरे बाकी पढ़ाऊ? नहीं नहीं, अरे नहीं भाई, पढ़े नहीं हो सारा चीज में। इतना ज्यादा आप लोगों को समझा दिया गया है, आप समझ नहीं रहे हो। मैं समझ रही हूँ, समझ लिया। हाँ आप बोलिए। प्रकृति जो है ना, इंसाफी नहीं कर सकती प्रकृति, मतलब कुछ है ही नहीं। प्रकृति कंट्रोल करने वाला कोई है? ये फ्री विल है मैम, दिख नहीं रही है दुनिया में? छोटी बच्चे के रेप हो जाते हैं, अल्लाह की और रेप हो जाते हैं। बात ये है, जब इंसान कमजोर होता है उसके पर अत्याचार होता है, प्रकृति के द्वारा ही हो रहा मान लो, ठीक है? क्योंकि कोई इंसान अगर किसी पे, हिटलर ने जैसे किया तो हिटलर को प्रकृति ने पावर दी, उसने अपने पावर का यूज किया, जिनोसाइड कर दिया, नरसंहार कर दिया। तो जो है, जो बेगुनाह लोग थे, वो बेगुनाह नहीं थे, वो बेजार लोग थे, वो उनके पास पावर नहीं थी। उसको साइंटिफिकली देखो, वो आपकी जज्बाती बातों के हिसाब से तो वो बेगुनाह थे, लेकिन एक्चुअल में बेगुनाह नहीं थे वो। मेरी बात सुनिए, गुनाह औरतें, गुनाह और बेगुनाह शब्द जज्बाती शब्द, धार्मिक शब्द है, ठीक है? ठीक है, अगर मेरे पर किसी ने वार किया, थे, अरे भाई ये सब सामाजिक बातें हैं, ये दुनियावी बातें हैं, लेकिन साइंस ये कहता है जिसके पास पावर नहीं थी, उस ज्यादा पावरफुल आदमी ने कम पावरफुल आदमी को उसको मार दिया, खत्म बात। लेकिन ये कहते हैं, जो काट रहता है मिसाल के तौर पर, पानी अगर ठंडा है तो उससे पानी गर्म होने के बाद बाष्पीभवन आता है, उसको बोलते हैं साइंस। जो प्रूफ होता है, एक बात सुनो, कुछ भी बोलते हैं साइंस के बारे में, वो प्रूफ नहीं होंगे। आप बोलेंगे कि अमीर ने गरीब को मार दिया। अगर आपने चूल्हे पे पानी चढ़ाया है गैस पे, और आपने गैस ऑन कर दी, तो हीट में इतनी पावर है कि उस पानी को वो गर्म कर देगा। हीट में इतनी पावर है, उस पानी को भाप बना के उड़ा देगा। मजाल नहीं है पानी की कि वो पुरानी उसमें अपने ओरिजिनल ठंडेपन में रहे या वो उड़े ही ना। कुदरती लॉ है, कुदरती लॉ जो होते हैं, उसी कुदरती लॉज को साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एस्ट्रोलॉजी, तमाम फलाना ढिंकाना साइंस की ब्रांचों में डिवाइड कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। समझ गया हूँ आपको, एक मिनट, आपको एक, आपका बोलना एकदम सही है, प्राकृतिक लॉ है। अगर 10 बैल बड़े रहेंगे और 10 गाय बिचारी रहेंगे, या फिर 10 छोटे बैल रहेंगे, तो बड़े बैल आके छोटे बैल को मारेंगे, 100% झगड़े हो जाएंगे। आपका यहाँ पर जानवरों के हद तक है ना, आपका प्राकृतिक लॉ एकदम एग्जैक्ट सही है, ये कुरान में भी है, सब जगह है धर्म। मगर इंसानों में आपका प्राकृतिक लॉ नहीं बैठता, क्योंकि क्यों नहीं बैठता? बैठता है, बैठता है। जानवरों में, इंसानों में यही फर्क हुआ कि इंसान के पास दिमाग विकसित हुआ, इंसानों ने विकसित दिमाग से समाज का और धर्म का निर्माण किया, इस चीज
इसको रोकने के लिए, बस सीधी सी बात है। इसमें कोई ऊपर का लॉ नहीं कि ऊपर जाएगा तो फला होगा ढिमका होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर से की ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, नीचे की बात है। तो लॉजिक जो है इसमें जो इंसानों के ऊपर क्यों नहीं फिट बैठता, क्योंकि इंसानों के पास फ्री विल है। मैं अच्छा भी कर सकता हूँ, बुरा भी कर सकता हूँ। इंसान अगर अच्छा करता था तो नहीं होता था, इसलिए बोल रहा हूँ कि उसने बिचारों को मारा, वो नहीं भी मार सकता था, वो नहीं भी मार सकता था। तो आपने कभी जेनेटिक्स पढ़ी है? ये तो सही, उसने उसके फ्री विल्स का गलत इस्तेमाल किया, तो इसलिए वो जवाब नहीं होगा। मुझे पूछेगा कि तूने बेगुनाह लोगों को क्यों मारा, और हिसाब देना पड़ेगा उसको उसका। कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने जेनेटिक्स पढ़ी है? बोलने से थोड़ी कुछ होगा। आप अटक गए मैम, आपने कभी जेनेटिक्स पढ़ी है? मुझे इतना बता दो बस, जेनेटिक्स के बारे में आप जानते हो? जीन्स के बारे में जानते हो? क्रोमोसोम्स के बारे में जानते हो? डीएनए के बारे में जानते हो? मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैम। मैं भी, मैं मेरा एमसीओ है, पता है कोई इंसान बायोलॉजी के बारे में जानता हूँ, तब ये नहीं हूँ मैं। इसके बारे में जानता हूँ मैं बायोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। मैं बता रही, एक इंसान का रूप रंग, नाक का शेप, होंठ का शेप, आंखों का रंग, बालों का रंग, इंसान की आदतें, इवन किसी में गुस्सा आता है, कोई खुश होता है, किसी को म्यूजिक पसंद है, आदतें भी, और किसी के अंदर क्रूरता है, किसी के अंदर ममता है, किसी के अंदर दया है, ये सब पता है आपको किस वजह से होता है? जींस है, पता है ना? जींस है, चलो आपको इतनी बात मालूम, ठीक है। ये अनुवंशिक में रहता है, अभी मेरा टकला हो रहा है, ये अनुवंशिक है, मेरे पिताजी। अपराधी इंसान दो वजह से बनता है, मतलब किसी पे जुल्म करना मतलब यही है अपराध है, ठीक है। अपराधी इंसान दो वजह से बनता है, दो वजहों से बनता है। एक तो जीन्स की वजह से, उसके डीएनए ने अपराध है, मतलब उसका डीएनए इस टाइप का है कि वो अपराध करने को मजबूर हो जाता है। दूसरा, परिस्थितियों की वजह से। एक अपराधी नहीं होता, उसका जीन्स ऐसा नहीं होता, पर उसकी परिस्थितियां ऐसी होती हैं। मान लो गरीब इंसान है, उसको खाना नहीं मिल रहा, तो मजबूरन वो चोरी करेगा, हालांकि वो चोर नहीं। इसमें कहीं भी चीज नहीं है कि अल्लाह उसका अभिशाप देगा। भाई जीन्स जब मेरे अंदर, जब मेरी हर आदत, मेरी हर चीज जीन्स से कंट्रोल हो रही है, तो इसमें अल्लाह मेरा क्या हिसाब लेगा? मेरे अंदर वो जीन्स डाला है। हाँ मेरी बहन, आप ऑफिस में बैठे हो, अगर एक गरीब आता है वहाँ पे आपके पास, तो आपके पास है 1,00,000 रुपए, वो गरीब आता है, मैम 10 रुपए दे दो ना, तो आपके पास फ्री विल है या नहीं? आप दूंगी या नहीं दूंगी? आप डिसीजन ले रहे हैं या जीन्स 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 के हिसाब से चलने वाले हैं? अगर मेरे अंदर दया वाला जीन्स होगा, ममता वाला जीन्स होगा, करुणा वाला जीन्स होगा, तो मैं उसको वो चीज दूंगी, पैसा दूंगी। और अगर मैं, मेरे अंदर मेरा जो स्वभाव निर्दयता वाला है, क्रूरता वाला है, तो मैं कहूँगी भगवान से, तो मैं ये कहूंगी। अब आप ये समझ लो, तो मैं जीन्स, इंसान की एक एक आदत जीन्स से कंट्रोल होती, एक एक आदत जीन्स से कंट्रोल होती, एक एक आदत होती। एक और बोल रहा हूँ, मगर कई लोग ऐसे है, जैसा हजारों लोग है, कई लोग दारू पीते थे, गलत काम करते थे, बलात्कारी करते थे, कई लोग गलत राह पे चलते थे, उनको समझाने के बाद, उनको प्रॉपर इंसानों को गाइडेंस करने के बाद वो गलत चीजें छोड़ देते हैं, गलत चीजें छोड़ देते हैं। उसका मतलब उनको फ्री विल है, ईश्वर ने फ्री विल दी है। सुनिए, अगर आपने 10 रुपए दिए तो आपको नेकी मिलेंगी और अल्लाह ताला तुमको जन्नत भी दे सकते हैं। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पैसा किसने बनाया? अल्लाह का जब दुनिया बनी अगर तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारे जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे ना, तब हमको पता चल जाएंगे। थोड़े दिन का वक्त है बस, एग्जाम चल रही है, तब तुमको भी पता चल जाएंगे, मुझे भी पता चल जाएंगे कौन कौन अच्छे। आप उसका इंतजार करो, मैं बोल रहा हूँ आप उसका, और अच्छे से एक बार फोरेंसिक पढ़ो। बहुत पढ़ाई, इतना हिसाब लिखी है, मारपाट लिखी है, जिस आइडियल पे लिखी गई है उसका ही कैरेक्टर इतना विवाद में है, उसको तो हम मान ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी, मुझे एक बार बता दो, हुजूर जब करीब 11 बीवियों की क्या जरूरत थी उनको, मुझे ये बताओ। कुरान में बोल रहे कि हिंसा है, किधर है बताओ तो सही। अरे मैं छोड़ दूंगा, दुनिया भर की जंगे आप, अच्छा आप कुरान के साथ साथ ना कुछ भी बोलेंगे तो इस्लामी देना पड़ेगा कि बोले कि कुरान के अंदर है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग करेगा उनका, उनके लिए बोल रहा था ऐसा। आप बोलो पर से पढ़ोगे नहीं, कुछ भी मानी निकाल लूंगे कुरान के अंदर है, लोगों के हाथ काट दो, पूरी आयत पढ़ना पड़ेगा, पूरी आयत पढ़ना पड़ेगा, जो चोरी करे उनके हाथ काट दो, ऐसा बोलने वाला है? चोरी भी करे तो हाथ क्यों काट दो भाई? ये तो मानवीय स्वभाव तो नहीं, ये तो क्रूरता। चोरी भी करे तो हाथ क्यों काट दे?
ये आपको सजा देनी दूसरे टाइप की दे सकते थे, जैसे जेल थी, कैद थी, जुर्माना था, वो है। लेकिन हाथ काटना, ये तो अगर कोई किताब इस बात को कह रही है तो वो वाकई में पूरी किताब है, क्योंकि क्राइम कम हो जाएगा। कोई कोई बेचारा, कोई गरीब की चोरी नहीं होगी किसी के घर से, किसी शादी है उसका दहेज लूटा नहीं जाएगा। मेरी बात सुन, बचाएगा। दुनिया जब से बनी है चोरी कम हो जाएगी, इसलिए चोरी कम है एकदम। इंसानों का कौन सा दौर ऐसा है जिसमें चोरी अपराध नहीं हुए? मुझे एक बात बताओ, हर दौर में हर तरह का अपराध था तो? हाँ था ना, तो वो तो ईश्वर ने था, ईश्वर ने फ्री विल रखा ना। आपने अगर चोरी की, अगर चोरी की सजा हाथ काटना रखा है तो क्या चोरियां बंद हो चुकी हैं? अरे फायदा तो जब था भाई, फायदा तो जब था जब उस चीज से बिल्कुल वो चीज रुक जाती। यूपी में इस एग्जाम्पल दिखाओ किस दौर में कम हुआ है। मुझे यूपी करंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। यूपी में कुछ कुछ लोग हमारे पुलिस वालों पे और डॉक्टर पे पत्थर फेंक रहे थे, पे एनएसए लगाए, तो जितना सख्त कानून रहेगा तो दूसरे को हिम्मत नहीं करेंगे। वही तो है, फिर जितना सख्त कानून रहेगा तो गुनाह करने की कोई हिम्मत जरूरत नहीं कर सकता। अभी एनएसए लगा कितना टाइम हुआ है कि आप दावे से कह सकते हो कि एनएसए कानून आने के बाद कभी कोई किसी को पत्थर नहीं फेंकेगा? नहीं नहीं, कम फेंकेंगे जो भी कोई अगर फायदा बिल्कुल खत्म हो जाए वो चीज। ऐसे दो कि वो चीज खत्म। अरे भाई, प्राकृतिक नियम है, जब से मनुष्य आया है दुनिया पे तब उसके अपराध है और रहेंगे, हमेशा रहेंगे। आप कानून कोई भी बना लो, लेकिन अगर कोई किताब नहीं कह रही है तो वो बहुत क्रूर किताब है। ठीक है, कोई बात नहीं।